नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आदिश मोटिवेशनल चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्ट करें, अगर आपको ऐसा हो कि आप पहले से ही आपको पता चल जाए कि आपका लॉस कितना हो सकता है, यानी कि आप कितना तक लॉस ले सकते हैं, तो कैसा होगा? तो दोस्तों, हाँ, ऐसा ही एक फॉर्मूला हम आपको आज बताने वाले हैं जिसके जरिए आप ट्रेडिंग करने से पहले, शेयर खरीदने से पहले ही आप कितना लॉस ले सकते हैं उसका परिमाण, यानी कि उसका जो अमाउंट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, कि आपका जो टेंशन है वो भी बहुत कम हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बताते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, जिस फॉर्मूला के बारे में हम बताने वाले थे वो फॉर्मूला अब आपको बताते हैं। दोस्तों, क्वांटिटी यानी कि आप कितने परिमाण में, कितना क्वांटिटी में शेयर ले सकते हैं। क्वांटिटी इक्वल आपका लॉस कैपेसिटी, यानी कि मान लीजिए आप कितना परिमाण, कितना अमाउंट का लॉस आप ले सकते हैं। मान लीजिए 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो या फिर 200 रुपया हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि आप 500 रुपया तक ही लॉस ले सकते हैं एक दिन में। ये एक एग्जांपल है। और हाँ दोस्तों, पहले से ही बता दे कि आप अगर बिगिनर्स लेवल का है तो आप ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ये गलती मत कीजिएगा कि स्टॉप लॉस ना लगाए। तो दोस्तों, बिगनर्स लेवल में आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा ताकि आपका कैपिटल सुरक्षित रहे, नहीं तो आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपका कैपिटल जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और हाँ, इंट्राडे में तो जरूर लगाना चाहिए आपको। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलता है, लेकिन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो चलिए दोस्तों, जो बोल रहे थे हम कि क्वांटिटी इक्वल आप जितना अमाउंट लॉस ले सकते वो, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मैं बता लेता हूँ कि आप 500 रुपया, यानी कि आप एक दिन में 500 रुपया का लॉस ले सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। तो फिर क्वांटिटी इक्वल आपका लॉस कैपेसिटी डिवाइडेड बाई आपका जो शेयर है वो आप कितना रुपया में खरीद रहे हैं, यानी कि एंट्री प्राइस। मान लीजिए कि मैं कोई भी एक शेयर 100 रुपया में खरीद रहा हूँ तो उसका एंट्री प्राइस होगा 100 रुपया। और स्टॉप लॉस जो कि मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही है, तो स्टॉप लॉस कितना होगा? एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। यानी कि पहले से बताता हूँ, अगर आपको 500 रुपया में ही लॉस रखना है, आपका एक दिन का लॉस 500 रुपया में ही रखना है, तो 500 रुपया डिवाइडेड बाई आपके एंट्री प्राइस यानी कि 100 रुपया माइनस, जो कि मैं पकड़ लेता हूँ कि 80 रुपया आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 100 माइनस 80 कितना होता है? 20। तो क्या करना है आपको? जो आपका लॉस कैपेसिटी है उसको 20 से डिवाइड करना है। तो क्या होता है? 500 डिवाइडेड बाई 20 कितना होता है? 25। तो फिर आपको कितना शेयर लेना है? 25 शेयर लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, क्वांटिटी इक्वल लॉस कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कि आप अगर 500 रुपये का लॉस ले सकते हैं, ये एक एग्जांपल के तौर पे है, तो 500 रुपया डिवाइडेड बाई एंट्री प्राइस यानी कि जो मैंने पहले भी बताया एग्जाम्पल है 100 रुपया माइनस स्टॉप लॉस, यानी कितना स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे पकवा 80। तो 100 माइनस 80 यानी कि 20। तो 500 को डिवाइडेड करना है 20 से, कितना निकलता है? 25। तो फिर आपको 25 ही शेयर खरीदना है। तो दोस्तों, आप अगर ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है इस फॉर्मूला से काम करेंगे तो आपका टेंशन बहुत से कम हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही जान सकते हैं कि आपका कितना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला पसंद आया हो, या फिर फॉर्मूला के बारे में कुछ भी डिटेल्स में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।